ये बड़ी मस्जिद से फिलहाल ये मोहम्मदी मस्जिद तक का आए थे, क्या नाम, ये हंगामा करा था इन्होंने उस वक्त, और इन्होंने कलर वलर भी डाला, और फिर क्या नाम है वो मस्जिद को नारे वारे लगाने लगा, बजरंगी जय 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 बजरंगी जय बजरंगी जो बोल लेते। तो कुछ शोर शराबा सुन के हम कुछ साथी यहाँ से बाहर आए मस्जिद से, तो बम पटाखे वगैरह यहाँ फोड़ रहे थे, तो हमें देख के वो और ज़्यादा उत्तेजित होके जय श्री राम के नारे लगाने लगे और उल्टी सीधी बातें कहने लगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है, कुछ इस तरह की कमेंट्स वो करने लगे। मोहम्मद डी ब्लॉक की मस्जिद पर करा, जमा मस्जिद पर, बड़ी ऊँचे की मस्जिद पर करा, सारी मंडावली की जितनी मस्जिद हैं सब पे मस्जिदों पर करा। उस रैली के अंदर इन्होंने यहाँ भगवा झंडा भी लगाया और जो केसर रंग है वो मस्जिद में फेंका और तलवारें भी लहराई। तो मुझे ऐसी बदतमीजी गाली बका है उसने, और माँ बहन की गाली दिया, कहा अरे तुम्हें तो हम काट के छोड़ेंगे, इस तरीके से अल्फाज निकाला उसने। वो तो पूरी कोशिश कर रहे थे यहाँ पर नंगे हथियार लेके गाली गुप्तारी करना, माँ बहनों को गाली बकना। झंडे ले रखे थे, नंगी तलवारें ले रखी थी उन्होंने, उनके साथ पुलिस भी थी। पुलिस से कहा कि ये भाई ये क्या हो रहा है, तो पुलिस ने कह दिया हमसे कुछ मत कहो, एसओ से जाकर मालूम करो, हमें एसओ ने भेजा है। और यहाँ मस्जिद की पैड़ियों पे उन्होंने छोटे छोटे बम फोड़े। साथ में तीन पुलिस वाले और एक पीसीआर, तीन पुलिस वाले एक पीसीआर साथ में थी रैली के। पुलिस वालों की क्या ये ड्यूटी नहीं बनती थी उन लोगों को रोक ले? रैली काहे की थी, रैली नहीं थी, वो तो एक हंगामा था, हंगामा था। वो मस्जिद पे जाके झंडा लगा रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? हम तो कहीं नहीं जा रहे कुछ करने, हम लोग दो वक्त की रोटी कमा रहे खा रहे। अगर उनकी जगह अगर कोई हमारी कौम का होता तो आप 100% हमें शोर है कि आप उन्हें उठा लेते, अब तक आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले चुके होते। और वो वीडियो में लाइव बिल्कुल मस्जिद के सामने कह रहे हैं कि अब मुसलमान नहीं रहेंगे, या जो भी, यानी कि देश के खिलाफ कह रहे थे, अच्छा माहौल को एक बिगाड़ना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सब? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा अभी तक? पुलिस वालों ने उनको एक बजरंगी वाला मिला था, तलवार के समय मिला था, हाँ तलवार के साथ मिला था वो, फिर लेकिन उसे पकड़ कर ले गए थे, फिर इस्तीफा से उसे बाद में छोड़ दिया था। मोबाइल में ले लो, हम लोगों को भी जरूरत है। उनमें से कुछ बंदे थोड़ी देर के बाद वापसी आए मौजूदा हालत में पुलिस के सामने, उनके हाथ से वो नंगी तलवार बरामद की गई, उसके ऊपर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको पकड़ के थाने ले गए और थोड़ी देर बाद उस शख्स को छोड़ दिया। ये देखिए, ये है अंकित पहलवान। जे एन यू में जरा सा मैटर हुआ था, आपने एक जरा से मुसलमान लड़के को कितना वो करा? सीधा कहते हैं हिंदुस्तान में रहता है तो राम राम कहना, कोई बात नहीं। पूरे देश में माहौल ये बजरंग दल और आरएसएस वगैरह ये कर रहे हैं, उसी वजह से यहाँ पर भी ये वही माहौल हो रहा है। हर जगह प्रूफ देना पड़ेगा हम हिंदुस्तानी हैं, बताइए, हर जगह प्रूफ देना पड़ता है कि बताओ हिंदुस्तानी है, कि हम हिंदुस्तान में नहीं पैदा हुआ, हमारा आधार कार्ड यहाँ का, पहचान पत्र यहाँ का, जन्म पत्र यहाँ का, तो आप क्या साबित करें? हमें जानना चाहते कि इनको अगर ये रैली निकाल रहे थे, इनको परमिशन किसने दी थी? पुलिस प्रशासन ने दी थी? अगर रैली की दी तो उसमें ये नंगे हथियार लेके घूम रहे थे, उसका क्या मतलब है? क्या जताना चाहते थे कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत कमज़ोर है? इस तरह की परमिशन ये इनको कहाँ से मिल रही है, या इतनी पावर इनके पास कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट दे रही है, पुलिस दे रही है, जो कि इस तरह की ये हरकतें हो रही हैं। वो लोग देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तानी हैं ही नहीं, गद्दार हैं वो लोग। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो वीडियो की, तो ये क्या चीज़ है, ये किसको दिखाना चाह रहे हो वीडियो, क्या करना चाह रहे हो, देश को लड़वाना चाह रहे हो आपस में किस लिए? ये सब चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि उस बंदे के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया? जब आरएसएस की रैली निकलती दशहरे के ऊपर तो हम उन पर फूल बरसाते हैं, उसके बावजूद यहाँ ऐसी हरकत बाहर के लोग कर गए और कोई उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। जो उस दिन हुआ था वो बहुत गलत हुआ था, क्योंकि किसी के भी मजहब किसी के धर्म पर इस तरीके से हरकत नहीं करना चाहिए था, ये जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमारे बुजुर्ग जी यहाँ के, इन्होंने वाकई बहुत कोऑपरेट किया और हमारे बच्चों ने बात मानी कि कोई इस तरह के कदम, वरना अगर ज़रा सा कुछ होता तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था। हमने इसमें कुछ बोला नहीं, जबकि उनके सारे उत्तेजित भाषण उनके बता रहे लोग, और पुलिस भी साथ थी उनकी, पुलिस को हमारे साथी ने बोला भी कि क्यों हो रहा, तो पुलिस ने कहा भाई हम कुछ कर सकते, हम तो आप ऐसे जो पास जाओ। बहुत समझदारी दिखाई और बहुत ज़्यादा हमारे बुजुर्गों ने रोका हमारे लड़कों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना, ये जो कर रहा है इन्हें करने दो, मगर तुम कोई मत बोलना।
तो इनकी सूझबूझ से और सभी लोगों की समझदारी से ये वाक्य टल गया, वरना इन लोगों की पूरी रणनीति थी कि इसको हिंदू मुस्लिम किसी तरह रूप दिया जाए। आपके लिए मंदिर हैं, हमारे लिए मस्जिदें हैं, हम आपके मंदिरों का आदर करें, गुरुद्वारे का आदर करते हैं, और जी आप हमारी मस्जिदों का आदर करें, जो हम इबादत कर रहे हैं आप उसको भी सम्मान दें। और यहाँ के हमारे हिंदू भाई ने भी इस चीज़ का दिफा किया है और इस चीज़ को बुरा जाना है, और इनका कोई किसी तरह का कोई हाथ नहीं है, सब लोग हमारे मुआफिक है, बल्कि बाहर से ही ये लोग आए थे और यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि यहाँ का माहौल बिल्कुल ख़राब किया जाए, जिस तरह से पूरे मुल्क का माहौल जगह जगह ख़राब किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को जाकर काटे जब भी हम हिंदुस्तानी कहलाएंगे, ये कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे।